सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स दुनिया में। तो आज क्लास एट्थ मैथ्स का जो एक्सरसाइज 2.2 है उसे हम करने वाले हैं। तो उसके क्वेश्चन कुछ तरीके से आपके सामने रखे हुए हैं। क्वेश्चन आपको क्या करना है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। इन लीनियर इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना सीखना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये दिख रहा है, तो आप क्या करेंगे, देखिए लेफ्ट साइड पर जो आपके पास वैल्यू है, देखिए यहाँ पर एक्स बाई टू वेरिएबल वाला पार्ट यहाँ पर है, यहाँ पे वेरिएबल वाला पार्ट है, दोनों को सेम लेके आ जाइए, एक साइड पे लेके आ जाइए। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन टू, इसको इधर लेके आएंगे तो ये माइनस आपके पास हो जाएगा एक्स अपॉन थ्री, ठीक है। एंड नंबर वाले जो सिस्टम में जो कांस्टेंट वाली वैल्यू होती है उसको आप साइड ले जाइए, ये देखिए राइट साइड पर है और ये वन अपॉन फाइव लेफ्ट साइड पर है, इसको यहाँ लेके आएंगे तो साइन वो हो जाएगा चेंज, हो जाएगा प्लस वन अपॉन फाइव हमारे पास हो जाएगा इसका लेफ्ट साइड। आप देखिए इन दोनों का अगर हम एलसीएम लें तो एलसीएम मेरे पास आएगा सिक्स, ठीक है, और टू से मैं यहाँ डिवाइड करूँगा तो थ्री टाइम ये हो जाएगा थ्री एक्स। सॉल्व करेंगे माइनस थ्री से इसको करेंगे तो टू टाइम टू थ्री जा थ्री टू जा और टू एक्स हो जाएगा। इन दोनों का भी आप एलसीएम ले लीजिए, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा आपके पास ट्वेंटी, यानी फोर फाइव जा प्लस फाइव फोर जा, इस तरीके से आपके पास आने वाला है। थ्री एक्स में से टू एक्स को अगर माइनस किया जाएगा बच्चों तो क्या आएगा मेरे पास, ये आएगा एक्स अपॉन सिक्स एंड दिस इक्वल टू फाइव प्लस फोर इज नाइन अपॉन ट्वेंटी, ठीक है। तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो 6 को मैं लेके जाऊँगा इधर, ये डिवाइड में है तो ये राइट साइड पर जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा x इक्वल टू नाइन अपॉन ट्वेंटी मल्टीप्लाई बाई सिक्स। टू से कंसिडर करेंगे टू थ्री जा एंड टू टेन जा, ठीक है, एंड द वैल्यू ऑफ x आपके पास फाइनली आ जाएगी नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन अपॉन टेन, ये एक्स की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम सॉल्व कर सकते हैं, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू को। सो क्वेश्चन नंबर टू है बच्चों मेरे पास एन अपॉन टू माइनस थ्री एन अपॉन फोर प्लस फाइव एन अपॉन सिक्स, ठीक है, एंड दिस इक्वल टू 21। तो यहाँ पर देखिए वेरिएबल वाले सारे पार्ट हमारे पास इधर हैं लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पर सीधा आप एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम मेरे पास अगर ये निकल लेता हूँ टू फोर एंड सिक्स का तो ये आएगा मेरे पास ट्वेल्व, तो आएगा टू सिक्स जा तो यहाँ पर आएगा सिक्स एन माइनस फोर थ्री जा आएगा नाइन एन और सिक्स टू जा आएगा टेन एन, ठीक है, दिस इक्वल टू 21। सबको ऐड करेंगे क्या हो जाएगा टेन, ये सिक्स एन में से अगर ये माइनस नाइन एन करेंगे तो माइनस थ्री एन हो जाएगा एंड ये सेवन एन आपके पास आने वाला है, सेवन एन अपॉन ट्वेल्व इक्वल टू 21 एंड सेवन एन इक्वल टू आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 21 मल्टीप्लाई ट्वेल्व, ट्वेल्व चल जाएगा मल्टीप्लाई में एंड एन की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो एन चल जाएगा यहाँ सेवन चल जाएगा डिवाइड के अंदर, 21 इंटू ट्वेल्व अपॉन सेवन, सेवन थ्री जा एंड ये आ जाएगा आपके पास 36। ये आपके पास एन की वैल्यू कितनी आ गई, 36 आ गई। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर टू को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है नहीं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड हमसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक्स प्लस वन, ये देखिए एक्स प्लस सेवन, तो एक्स ये है ना, ठीक है, और सारे जितने भी हमारे पास ये वाले पार्ट होते हैं इनको आप क्या करिए इधर लेफ्ट साइड पर लेके आइए। तो ये माइनस एट एक्स अपॉन थ्री और ये जो माइनस फाइव अपॉन फाइव एक्स अपॉन टू है इसको भी इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस फाइव एक्स अपॉन टू और नंबर वाले सिस्टम को सब वहीं ले जाइए तो हो जाएगा सेवनटीन अपॉन सिक्स, तो यहाँ पर राइट साइड में पहले से था एंड वहाँ से आपके लेफ्ट साइड से सेवन प्लस का है राइट साइड में जाएगा तो माइनस का सेवन हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए इसके अपॉन में हम वन ले सकते हैं, इसके अपॉन में भी हम वन ले सकते हैं, इनका देखिए एलसीएम कितना आएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा आपके पास सिक्स, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सिक्स एक्स माइनस थ्री टू जा ये हो जाएगा सिक्सटीन एक्स टू थ्री जा ये हो जाएगा फिफ्टीन एक्स इक्वल टू यहाँ पर सिक्स आ जाएगा एलसीएम ये आएगा सेवनटीन माइनस ये हो जाएगा फोर्टी टू एंड आप देखेंगे कि सिक्स एक्स माइनस सिक्सटीन एक्स ये हो जाएगा माइनस टेन एक्स और फिफ्टीन में से टेन माइनस करेंगे तो फाइव एक्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा फाइव एक्स अपॉन सिक्स इक्वल टू यहाँ हो जाएगा माइनस ट्वेंटी फाइव अपॉन सिक्स। देखिए सिक्स से सिक्स कैंसिल हो सकता है यहाँ पे एंड एक्स की वैल्यू अगर आप निकालेंगे यहाँ पर एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा माइनस ट्वेंटी फाइव में आप फाइव से डिवाइड करेंगे
इज इक्वल टू माइनस फाइव, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, माइनस फाइव हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने तीनों क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर पे। सो क्वेश्चन नंबर फोर हमारे पास इस तरीके से है, देखिए ये इस तरीके से क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पर सीधा सा क्या करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, फाइव से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं मुझे किस तरीके से करना है देखिए आपको बता देता हूँ। फाइव से आप मल्टीप्लाई करेंगे किसे, एक्स माइनस फाइव को, एंड थ्री से आप मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस थ्री को, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से बोला जाता है। फाइव इसको थोड़ा सॉल्व कर लें तो हो जाएगा फाइव एक्स माइनस ट्वेंटी फाइव, हो जाएगा थ्री एक्स माइनस नाइन। फिर वही आपके पास तरीका है, फाइव एक्स थ्री एक्स को इधर लिखा जाए तो माइनस थ्री एक्स हो जाएगा, और माइनस नाइन यहाँ पहले से है और ट्वेंटी फाइव यहाँ से आ जाएगा, ये आ गया, ठीक है भाई। हाँ जी, तो ये हो गया आपके पास टू एक्स इक्वल टू ट्वेंटी फाइव में से अगर आप माइनस करेंगे नाइन तो आपके पास क्या आएगा यहाँ से, सिक्सटीन है ना। एंड एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, सिक्सटीन अपॉन टू एट, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एट आ जाएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फोर भी हमने इजीली सॉल्व कर लिया, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव। सो क्वेश्चन नंबर फाइव में भी देखिए इस तरीके से सेम वेरिएबल सेम एक जगह पर ले आइए भैया, तो यह मैं लेके आता हूँ तो जगह थ्री टी अपॉन, अच्छा इसको इस तरीके से नहीं करेंगे आप, थ्री टी माइनस टू यहाँ पर से लिख लीजिए पहले, थ्री टी माइनस टू अपॉन फोर, ये भी है आपके पास माइनस टू टी प्लस थ्री अपॉन थ्री, एंड ये टी इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस टी, दिस इक्वल टू टू अपॉन थ्री हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है। एक आपके पास सी वाला कांस्टेंट वाला नंबर की ओर टू अपॉन थ्री छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर इसके अपॉन में आ गया वन, इन दोनों का अगर आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम मुझे मेरे हिसाब से इसका आएगा ट्वेल्व, ठीक है ट्वेल्व आएगा। तो अब यहाँ फोर थ्री जा थ्री आ गया, थ्री से इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसको भी इसे भी, तो हो जाएगा नाइन्टी माइनस सिक्स, ठीक है। फिर ये माइनस का साइन है, अब थ्री फोर जा ये आएगा फोर टाइम, फोर से इसको भी मल्टीप्लाई करिए इसको मल्टीप्लाई करिए तो फोर हो जाएगा एट टी, और ये माइनस है यहाँ पर तो माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा आपके पास, फोर से मल्टीप्लाई करना तो ट्वेल्व आ जाएगा, ठीक है इस तरीके से। एंड प्लस ट्वेल्व टी आ जाएगा यहाँ पर, इक्वल टू हो जाएगा टू अपॉन थ्री। सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, नाइन टी में से एट टी माइनस करेंगे तो टी बचा हमारे पास, और ट्वेल्व टी में एक टी ऐड करेंगे थर्टीन टी हो जाएगा, टी हो जाएगा हमारे पास थर्टीन टी। माइनस सिक्स एंड माइनस ट्वेल्व इज माइनस एटीन अपॉन ट्वेल्व इक्वल टू टू अपॉन थ्री, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगेन तो ये आ जाएगा आपके पास थर्टीन टी, थ्री से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा थर्टीन थर्टी नाइन, थर्टी नाइन टी माइनस फिफ्टी फोर इक्वल टू ट्वेंटी फोर, एंड थर्टी नाइन टी अगर आप निकालें यहाँ से तो ये आएगा ट्वेंटी फोर प्लस फिफ्टी फोर, और ये कितना आएगा आपके पास एट एंड सेवन, एंड द वैल्यू ऑफ टी अगर निकालेंगे यहाँ पर हो जाएगा सेवेंटी एट अपॉन थर्टी नाइन, टू आ जाएगा भाई, टी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, टू आ गई। इस तरीके से क्वेश्चन करना है, आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो कैलकुलेशन करने से आपका सारे सॉल्यूशन इसके बाद सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स को। सो सिक्स वाले क्वेश्चन को करते हैं, ये आपके पास रखा हुआ है। तो m की वैल्यू सारी वेरिएबल वैल्यू ले आइए, m माइनस ये तो यहीं पे है लेफ्ट साइड पे, और इस वाले को लेके आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा m माइनस टू अपॉन थ्री, और ये वन आपके पास राइट साइड में कांस्टेंट वैल्यू है हमारे पास, तो ये अपॉन हो जाएगा वन। इसका एलसीएम लेंगे बच्चों क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा सिक्स, ये हो जाएगा सिक्स एम माइनस, फिर थ्री से मल्टीप्लाई करना है 3m, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर 3 से 2 मल्टी इसमें से करेंगे 2 आ जाएगा, प्लस हो जाएगा 2m माइनस 4 इक्वल टू 1। देखिए m को सॉल्व कर लीजिए, 6m में से 3m माइनस करिए 3m, 3m में 2m ऐड करिए 5m,
फाइव एम, ठीक है, एंड थ्री माइनस फोर इज माइनस वन अपॉन सिक्स इक्वल टू वन, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए हो जाएगा फाइव एम माइनस वन इक्वल टू सिक्स, एंड फाइव एम इक्वल टू कितना हो जाएगा सिक्स प्लस वन इज सेवन, और एंड एम इक्वल टू आपके पास आता है सेवन अपॉन फाइव, तो ये एम की वैल्यू आपके पास आएगी सेवन अपॉन फाइव, ठीक है। तो इस तरीके से सिक्स क्वेश्चन हमने इस एक्सरसाइज के कंप्लीट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट जो आपको मैं कराऊंगा, इसके रिमेनिंग क्वेश्चन आपको कराऊंगा सेवन एट नाइन टेन, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो ज़रूर चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा।